इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्रकाश पर्व मनाकर बिहार से पंजाब लौट रहे श्रद्धालुओं की पिटाई कर दी गई है। चंदा देने के विरोध करने पर श्रद्धालुओं की पिटाई की गई है। बता दें आपको कि आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र के ध्यान टोला गांव के समीप रविवार की दोपहर चंदा देने का विरोध करने पर प्रकाश पर्व से लौट रहे श्रद्धालुओं की जमकर पिटाई कर दी गई, जिसमें आधा दर्जन श्रद्धालु जख्मी हो गए, जिसके बाद सभी श्रद्धालुओं का इलाज चरपोखरी PMC में कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सभी श्रद्धालु पंजाब के मोहाली निवासी बताए जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर शामिल होने बिहार की राजधानी पटना आए थे। जब वो प्रकाश पर्व में शामिल होकर पटना से ट्रक पर 60 लोग सवार होकर पंजाब वापस लौट रहे थे। इसी बीच चरपोखरी थाना क्षेत्र के ध्यान टोला गाँव के समीप गाँव में हो रहे जग को लेकर कुछ युवकों द्वारा उनका ट्रक रोक दिया गया और उनसे चंदा मांगा जाने लगा। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उक्त युवकों द्वारा ट्रक पर इत पत्थरों से हमला कर आधा दर्जन से ज़्यादा श्रद्धालुओं की जमकर पिटाई कर दी गई, जिसमें सभी जख्मी हो गए, जिसके बाद सभी का इलाज चरपोखरी PMC में कराया जा रहा है। जख्मी तजिंदर सिंह ने बताया कि हम लोगों ने कुछ युवकों द्वारा चंदा मांगा गया, जब हम लोगों ने कहा कि लेट हो रहा है ट्रक को जाने दो तो उनके द्वारा गाली गलौज करने के बाद ईंट पत्थर से मारना शुरू कर दिया। वहीं इसके बाद आपको बता दें कि इस घटना को लेकर हरमीत कौर बादल ने भी ट्वीट किया है और CM नीतीश कुमार से कार्रवाई करने की मांग भी की है। तो जब हमने पैसे देने से मना कर दिया, उन्होंने ड्राइवर के चंदे मारने शुरू कर दिए, हमारे ड्राइवर को पीटा और वहीं के कई और 6-7-10 बंदे इकट्ठे हो गए, हमारे पे पत्थरबाजी कर दी, जिसमें हमारे बंदे कम से कम 6-7 बंदे हमारे घायल हो गए, सिर कट गए और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, कईयों के मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। इस वजह से हमारे को तंग किया गया और उनकी तरफ से पैसे मांगने की वजह से कितने लोग जख्मी हुए हैं? इसमें हमारे 6-7 बंदे जख्मी हुए हैं। अच्छा, गंभीर चोटें भी आई हैं क्या? चोटें सबके 6-7 टंके लगे हैं। कोई घटना ऐसे है, हम पटना साहिब से पंजाब को मोहाली को जा रहे थे, वापस पटना साहिब के दर्शन करके गुरुद्वारे दे रास्ते में सिमरों के पास कुछ बंदों ने गाड़ी रोक के ड्राइवर से पैसे मांगे। ड्राइवर ने कहा भी मेरे पास पता नहीं गुंडा टैक्स मांग रहे थे, गुंडा टैक्स कहते हैं हमको इसको, गंडा जब दी सर एक मिनट, जब उसने ना दिया ड्राइवर को खींच के नीचे गिर लिया, उन्होंने ड्राइवर को उठने लगे तो संगत उतर के ड्राइवर को बचाने के चक्कर में उन्होंने संगत को भी कूटा पीटा। लाग में एक गांव था, वहां से 100 के करीब बंदे मतलब लाठियां डंडे लेके आ गए, साढ़े से हमला कर दिया, पत्थर से लाठी से भी पत्थर लाठियां के सट्टा साढ़े दिख दिया नहीं है, साढ़िया लाठियां सट्टा इन बजिया वह सानू साढ़े शरीर न पता कि बजिया लाठियां, पर जेडे पत्थर होए हैं वो जख्म हो गए, 6-7 बंदे टांके लगे। ट्रक पे कितने लोग सवार थे? ट्रक में 58 लोग सवार थे, कुछ लेडीज थी उसके बीच, 20 लेडी है बाकी जेंट्स है। महिला को भी चोटें आई हैं क्या? महिलाओं को हमने सेव किया, आप कवर करके ना, आप कवर करके महिलाओं को हमने सेव किया, महिलाओं को बचाने के चक्कर में लड़कों को चोटें लगी। अच्छा, स्थानीय पुलिस कितने देर बाद आपके यहाँ पहुंची? आपके पास स्थानीय पुलिस तो हम वहाँ रास्ते में आए, स्थानीय पुलिस हमारे पास निकासी, हम स्थानीय पुलिस के पास पहुंचे, वहाँ रास्ते में एक PCR खड़ी थी, उनके पास गए, उन्होंने हमारी मदद करी, हमारा एक बंदा लेके, एक बंदा उन्होंने कैप्चर किया हुआ था उसको छिड़ा के PCR लेके हमारे पास आई, स्थानीय पुलिस ने ये हमारी मदद करी है।